नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल द रेल यात्री। आज के वीडियो में मैं आपको ट्रेन नंबर 12114 नागपुर पुणे गरीब रथ एक्सप्रेस के बारे में जानकारी दूंगा। इस वीडियो में मैंने इस ट्रेन के रूट, ये ट्रेन कब चलती है, कौन कौन से स्टेशनों पर रुकती है, कितनी देर रुकती है, इस ट्रेन में आपको कौन कौन सी सुविधाएं मिल जाएंगी, इस प्रकार की सारी जानकारी मैंने इस वीडियो में दी हुई है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे YouTube चैनल द रेल यात्री को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरे नए और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक आते रहें। इस वीडियो की रिक्वेस्ट की है हमारे सब्सक्राइबर जिनका नाम है मंगेश शेगोकर। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए मैं आपको ट्रेन नंबर 12114 नागपुर पुणे गरीब रथ एक्सप्रेस के बारे में जानकारी देता हूँ। ये ट्रेन महाराष्ट्र के नागपुर जंक्शन से महाराष्ट्र के पुणे जंक्शन तक चलती है। ये ट्रेन हफ्ते में 3 दिन हर रविवार, मंगलवार और शुक्रवार को नागपुर जंक्शन से शाम 6:35 पर चलती है। इस ट्रेन को नागपुर जंक्शन से पुणे जंक्शन तक के 890 किलोमीटर के डिस्टेंस को पूरा करने में 15 घंटे 10 मिनट का समय लगता है। इस पूरी जर्नी में ये ट्रेन 9 स्टेशनों या हॉल्टों पर रुकते हुए पुणे जंक्शन पहुंचती है और इस ट्रेन की एवरेज स्पीड 59 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। अब मैं आपको इस ट्रेन की केटरिंग या फिर खान पान से संबंधित जानकारी देता हूँ। इस ट्रेन में पेंट्री कार नहीं होती है, लेकिन इस ट्रेन में आपको ऑनबोर्ड केटरिंग और ई केटरिंग की सुविधा मिल जाएगी। इस ट्रेन में आपको दोनों टाइप के तत्काल, प्रीमियम तत्काल और तत्काल की भी सुविधा मिल जाएगी। अब मैं आपको इस ट्रेन के लोकोमोटिव के बारे में जानकारी देता हूँ। ये ट्रेन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से चलती है नागपुर जंक्शन से पुणे जंक्शन तक। इस ट्रेन का लोकोमोटिव कहीं पर भी चेंज नहीं किया जाता और इस ट्रेन का लोकोमोटिव हमेशा WAP-7 होता है, लेकिन इस ट्रेन का लोकोमोटिव रिवर्स किया जाता है डोंड जंक्शन पर। अब मैं आपको इस ट्रेन के रेक कॉम्पोजिशन या फिर कोच कॉम्पोजिशन के बारे में जानकारी देता हूँ। इस ट्रेन में 20 30 क्लास वाले कोच इस ट्रेन के रेक कॉम्पोजिशन में होते हैं और किसी भी दूसरी श्रेणी का कोई भी कोच इस ट्रेन के रेक कॉम्पोजिशन में नहीं होता। दोस्तों, मैंने इस ट्रेन के रेक कॉम्पोजिशन वाला पूरा लेआउट अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बनाया हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हो कि इस ट्रेन के रेक कॉम्पोजिशन में कोचेस की पोजिशन क्या होती है। ये ट्रेन नागपुर जंक्शन से छूटने के आधे घंटे पहले नागपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आकर लग जाती है। इस ट्रेन का रिजर्वेशन चार्ट ट्रेन छूटने के 3 से 4 घंटे पहले भारतीय रेल द्वारा बना दिया जाता है। अब मैं आपको इस ट्रेन के रूट के बारे में जानकारी देता हूँ कि ये ट्रेन कौन से रूट से होकर पुणे जंक्शन पहुँचती है और इस ट्रेन को कौन कौन से स्टेशनों या हॉल्टों पर रुकना होता है इस ट्रेन की पूरी जर्नी में। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था, ये गरीब रथ एक्सप्रेस नागपुर जंक्शन से हर रविवार, मंगलवार और शुक्रवार को शाम 6:35 पर चलती है। इस ट्रेन का पहला हॉल्ट अजनी, यहाँ पर ट्रेन शाम 6:44 पर पहुँचती है और 6:45 पर ट्रेन यहाँ से चलती है, यहाँ पर ट्रेन 1 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का दूसरा हॉल्ट वर्धा जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन शाम 7:42 पर पहुँचती है और 7:45 पर ट्रेन यहाँ से चलती है, यहाँ पर ट्रेन 3 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का तीसरा हॉल्ट बडनेरा जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन रात 9:27 पर पहुँचती है और 9:30 पर ट्रेन यहाँ से चलती है, यहाँ पर ट्रेन 3 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का चौथा हॉल्ट अकोला जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन रात 10:25 पर पहुँचती है और 10:30 पर ट्रेन यहाँ से चलती है, यहाँ पर ट्रेन 5 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का पांचवा हॉल्ट शेगांव, यहाँ पर ट्रेन रात 10:59 पर पहुँचती है और 11 बजे ट्रेन यहाँ से चलती है, यहाँ पर ट्रेन 1 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का छठा हॉल्ट भुसावल जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन रात 12:40 पर पहुँचती है और 12:45 पर ट्रेन यहाँ से चलती है, यहाँ पर ट्रेन 5 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का सातवां हॉल्ट मनमाड़ जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन रात 3:20 पर पहुँचती है और 3:25 पर ट्रेन यहाँ से चलती है, यहाँ पर ट्रेन 5 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का आठवां हॉल्ट अहमदनगर, यहाँ पर ट्रेन सुबह 5:52 पर पहुँचती है और 5:55 पर ट्रेन यहाँ से चलती है, यहाँ पर ट्रेन 3 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का नवा हॉल्ट
दौंडी जंक्शन। यहाँ पर ट्रेन सुबह 8 बजे पहुँचती है और 8:15 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 15 मिनट रुकती है। यहाँ पर लोकोमोटिव रिवर्स किया जाता है इस ट्रेन का। इस ट्रेन का 10वां और अंतिम हॉल्ट पुणे जंक्शन। यहाँ पर ट्रेन सुबह 9:45 पर पहुँचती है। दोस्तों, मैंने इस ट्रेन के किराए और किराए से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी इस वीडियो में नहीं दी है, लेकिन अगर आपको किराए और किराए से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी प्राप्त करनी है तो आप इंडियन रेलवेज के रिजर्वेशन काउंटर या फिर इंडियन रेलवेज के ऑफिशियल वेबसाइट IRCTC से आप क्लियर कर सकते हो कि आपका किराया क्या होगा जिस भी स्टेशन से आप इस ट्रेन में सफ़र करना चाहते हो। दोस्तों, अगर आपका इस वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब दूंगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा कि वीडियो कैसा था। एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द रेल यात्री चैनल एंड कीप सपोर्टिंग।